क्या हाल है भाई लोग। होप करता हूँ यार सारे मस्त होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ आपका भाई जयेश और आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। तो भाई लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो का नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है क्योंकि यह कार बहुत ही ज़्यादा पसंद करी जाती है हमारे इंडिया में पहली जनरेशन से ही। यह SUV हर एक पर्पज़ के लिए यार बहुत ही बेहतरीन है, फिर चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए हो या फिर चाहे ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए हो, हर एक पर्पज़ के लिए यह SUV बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनी रही है। और इस SUV को यार पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। 0 सेफ्टी रेटिंग होने के बाद भी ये कार ये SUV बहुत ही ज़्यादा नंबर पर सेल होती है और ये हर जगह किसी न किसी के पास आपको ज़रूर दिख जाएगी। तो यार इसी प्यार को देखते हुए महिंद्रा अपनी यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को लॉन्च कर रहा है और इस बार फोर्थ जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एंड फीचर्स को ऐड किया गया है जिससे ये कार पहले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो भाई लोग इस वीडियो में स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि इस गाड़ी में हमें एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, इंजन ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन में, और हमें सेफ्टी फीचर्स भी क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। साथ ही साथ हम इस गाड़ी के राइवल्स को भी कवर करेंगे और एट दी एंड हम इस गाड़ी के लॉन्च डेट एंड प्राइस रेंज को भी कवर करेंगे। तो भाई लोग इस वीडियो में आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए भाई लोग बिना किसी देरी के करते हैं जय श्री गणेश। तो भाई लोग यहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के एक्सटीरियर के बारे में कि एक्सटीरियर से हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। तो यार अगर मैं एक्सटीरियर से बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं जो अभी हमें स्कॉर्पियो देखने को मिलती है उससे, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन को भी पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। डायमेंशन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्कॉर्पियो। यहाँ पर डायमेंशन को भी लेंथ विथ और हाइट को इंक्रीज़ किया जा रहा है इस SUV में। अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED DRLs देखने को मिलने वाले हैं गाड़ी में, जो कि यार काफ़ी अपीलिंग लगेंगे लुक्स में। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें फॉग लैम्प भी हमें LED देखने को मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। जो इसकी ग्रिल होगी वो उसी से स्कॉर्पियो से ही इंस्पायर्ड होगी जो कि हमें देखने को मिलती है, ताकि ये लगे कि हाँ ये स्कॉर्पियो का ही नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। तो अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल से तो यहाँ पर हमें 18 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिलने हैं, और जो अलॉय व्हील्स होंगे वो 10-spoke alloy wheels होने वाले हैं जो कि काफी अच्छे लगने वाले हैं लुक्स में। तो ऊपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी देखने को मिल जाएगा, रूफ रेल्स भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ यहां पे हमें जो पीछे जो टेल लैंप्स होंगे वो भी हमें LED देखने को मिलने वाली है अपकमिंग स्कॉर्पियो में। साइड में हमें स्किड प्लेट भी देखने को मिलेंगी इस गाड़ी में। और अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म में तो प्लेटफॉर्म को भी चेंज किया गया है, जैसा कि 2014 में जो स्कॉर्पियो आई थी उसमें इसके प्लेटफॉर्म को इसके बेस को चेंज किया गया था। तो यहां पर नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि फोर्थ जनरेशन स्कॉर्पियो में भी प्लेटफॉर्म को चेंज किया जा रहा है, जो कि थार में देखने को प्लेटफॉर्म मिलता है उसी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनने वाली है। तो यार यहां पे इस बार नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में हमें सेफ्टी भी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ यहां पे हमें महिंद्रा का नया लोगो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि XUV700 से हमें महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहां पे हमें एडजस्टेबल ORVMs भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और जान लेते हैं कि इंटीरियर में बेसिकली क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो भाई लोग अगर मैं इंटीरियर से बात करूं तो यार आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो एकदम लोडेड विथ फीचर्स आने वाली है हमारे पास। यहाँ पे हमें इंटीरियर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें रियर AC विंड्स देखने को मिलने वाले, जो कि पैसेंजर्स के सिटिंग कंफर्ट को ज्यादा एनहांस कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें ऑल न्यू टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है विथ कनेक्टिविटी ऑफ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, और साथ ही साथ हमें इस गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने को मिलने वाला है। कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। जो हमारी यहाँ पे सिटिंग होने वाली है वो लेदर अपॉल्स्ट्री की होने वाली है, और यहाँ पे हमें साथ ही साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू सेंस कनेक्ट ऐप। तो ये भी हमें महिंद्रा स्कॉर्पियो में देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमें इन बिल्ट नेविगेशन भी इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ बहुत ही कमाल की चीज वायरलेस चार्जिंग पैड भी हमें इस गाड़ी में मतलब कि महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग यार इंटीरियर वाइज भी
बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बेसिक बेसिक जो चेंजेस किए जा रहे हैं उन चीजों को ज्यादा कवर कर रहा हूँ रेदर देन सारी इन्फॉर्मेशन को। तो भाई लोग यार यहाँ पे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मतलब की सेफ्टी फीचर्स की तरफ, कि हमें इस गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाने वाले हैं। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में जो स्कॉर्पियो हमारे पास आती है उसकी यू नो बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, बहुत ज्यादा बिल्ड क्वालिटी को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट फिर भी ये कार अच्छे नंबर्स पे सेल होती है। बट यहाँ पे इस बार नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में सेफ्टी को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे हमें 6 एयर बैग्स देखने को मिलने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो में, ABS विद EBD देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हमें देखने को मिल जाएगा, ESP जैसे फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर, हाई स्पीड अलर्ट, वॉइस कमांड एंड रोल ओवर मिटिगेशन भी हमें साथ ही साथ इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहां पे हमें हिल होल्ड असिस्ट भी देखने को मिलने वाला है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन हमें 4x4 के ऑप्शन में मिलने वाली है। तो सेफ्टी रेटिंग वाइज बहुत ही कमाल की ये गाड़ी होने वाली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया थार के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और थार की सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार हमें ऑलरेडी देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली यार हम 4 स्टार की रेटिंग की उम्मीद तो इस गाड़ी से रख सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इसकी 5 स्टार रेटिंग हो, बट 4 स्टार तो कहीं नहीं गए। तो सेफ्टी वाइज भी यार इस बार महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है इसका इंजन ऑप्शन। तो ये जान लेते हैं कि हमें ये गाड़ी महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो जो है वो किस किस इंजन ऑप्शन में अवेलेबल होने वाली है। तो यार सबसे पहले इंजन ऑप्शन की बात करूं तो जैसे कि आपको पता होगा हमें डीजल वेरिएंट में ऑलरेडी हमें स्कॉर्पियो देखने को मिलती है, तो यहां पे हमारे पास 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है MHawk का, जो कि 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा। और यहां पे ये भी है कि इस बार महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो जो है वो पेट्रोल इंजन में भी हमें देखने को मिलेगी, तो यहां पे 2.0 का पेट्रोल इंजन हमें देखने को मिल जाएगा जो कि होगा 4 सिलेंडर M-Stallion का, और उसमें भी हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। तो यार यहां पे कुछ बात हो गई इंजन ऑप्शन की। अब हम बढ़ते हैं इस गाड़ी के राइवल्स के बारे में कि ये गाड़ी आखिर कंपीट किस गाड़ियों से करने वाली है लॉन्च होने के बाद। तो बेसिकली यार ये गाड़ी कंपीट करेगी टाटा सफारी, अल्कजार, MG हेक्टर प्लस और साथ ही साथ रिसेंटली लॉन्च होने वाली XUV700 के साथ। तो इन सब गाड़ियों के साथ बेसिकली इस गाड़ी का कंपटीशन होने वाला है। अब बढ़ते हैं यार वीडियो के बहुत ही मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है इस गाड़ी का प्राइस एंड लॉन्च डेट। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी 12 लाख टू 17.5 लाख। कहने का मतलब ये कि बेस मॉडल जो होगा इसका ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा एंड 17.5 लाख इसका टॉप मॉडल जाने वाला है। तो भाई लोग अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के लॉन्च डेट की तरफ कि ये गाड़ी हमें कब देखने को मिलेगी मार्केट में। तो यार जैसा कि अभी XUV700 को लेके बहुत ज़्यादा वो चल रही है, इसकी लॉन्च डेट यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है 15 अगस्त को हमें XUV700 देखने को मिलने वाली है। अभी तक अगर ये पेंडेमिक और ये सब सिचुएशन नहीं होती तो डेफिनेटली हमें अगस्त सेप्टेम्बर में ये गाड़ी देखने को मिलने वाली थी, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को डिले कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन फेब के मंथ में 2022 में देखने को मिलने वाली है। तो यार यही कुछ डिटेल्स थी मेरी तरफ से अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। होप करता हूँ यार भाई लोग आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी यार तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाना, एक कमेंट भी छोड़ के जाना, या कोई फीडबैक या कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो के रिगार्डिंग तो उसको ज़रूर लिखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।